तैमूर फारी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत वंश में सबसे ज्यादा दूध दे सकने वाली भारतीय नस्ल की भैंसे। ये चार नस्लें हैं जो कि आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ये भैंसे बहुत ही खास है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखे दोस्तों। और चैनल पर नवे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन पे बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों जानते हैं इन भैंसों के बारे में। हमारे देश की एक बड़ी आबादी भैंस पालन से जुड़ी हुई है। यहाँ भैंसों की कई नस्लों का पालन किया जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की माने तो भैंसों की नागपुरी, पंडरपुरी, बन्नी, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, चिल्का, भदावरी, सूरती, मेहसाना, तोड़ा समेत 26 तरह की नस्लों का पालन किया जाता है। इनमें से 12 नस्लें रजिस्टर नस्लें हैं, जो कि सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। इनमें चिल्का, मेहसाना, सूरती और तोड़ा जैसी भैंसें भी शामिल है। ऐसे में आज हम आपको भैंसों की इन नस्लों की जानकारी देने वाले हैं। पहली बात करते हैं भैंस पालन के अंदर, वो है सूरती भैंस। यह नस्ल गुजरात के खेड़ा और बड़ौदा में पाई जाती है। इनका रंग भूरा, सिल्वर सेरेटी या फिर काला होता है। यह आकार में मध्यम होती है, साथ ही धड़ नुकीला और सिर लंबा होता है। इनके सिंह दराती के आकार के होते हैं। इसकी औसत उत्पादन क्षमता 900 से 1300 लीटर प्रति बैच होती है। भैंस की इस नस्ल के दूध में 8 से 12 % वसा की मात्रा पाई जाती है। हम बात कर रहे थे इस वीडियो की पहली भैंस के बारे में, बहुत ही सूरती भैंस। दूसरी जो कि बहुत ही खास मानी जाती है भारत वंश के अंदर, वह है मेहसाना भैंस। यह नस्ल गुजरात के मेहसाना जिले और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। भैंस की इस नस्ल का रंग काला होता है, तो वही कुछ का रंग काला भूरा भी पाया जाता है। इनका शरीर मुर्रा नस्ल की भैंसों की तुलना में काफी बड़ा होता है, मगर इनका वजन उनसे कम होता है। इनके सिंह दराती से आकार के होते हैं, तो वही मुर्रा भैंस से कम घूमी हुई रहती है। इसका औसत उत्पादन 1200 से 1500 किलो प्रति बैच होता है। हम बात करते हैं इस वीडियो की दूसरी भैंस के बारे में, होती मेहसाना भैंस। तीसरी भैंस के बारे में बात करेंगे, वह है तोड़ा भैंस। आदिवासियों के नाम पर भैंस की इस नस्ल का नाम तोड़ा पड़ा है, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस नस्ल के शरीर पर काफी मोटा बाल कोट होता है। इनकी औसत उत्पादन क्षमता प्रति बैच 500 से 600 किलोग्राम होती है। खास बात यह है कि इनके दूध में 8% वसा की मात्रा पाई जाती है। अंतिम और अगली भैंस के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के, वह है चिल्का भैंस। भैंस की इस नस्ल को उड़ीसा, कटक, गंजम, पुरी और मुद्रा जिलों में पाया जाता है। इस भैंस का नाम उड़ीसा के चिल्का के जिले के नाम पर पड़ा है। इसे देसी नाम से भी जाना जाता है। यह भैंस खारे क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। इसका रंग भूरा काला या काला होता है। यह आकार में मध्यम होती है, साथ ही औसत दूध उत्पादन 500 से 600 किलोग्राम प्रति बैच होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा भारत वंश की भैंसों की चार नस्लों के बारे में और उनकी दूध क्षमता के बारे में और किस प्रकार वो होती है उसके बारे में। दोस्तों इसी तरह की हम अच्छी वीडियो आपके लिए हर वक्त लाते रहते हैं और आपको सबसे पहले मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए, लाल बटन बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पे गए तो फॉलो करना ना भूले और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और कोई समस्या हो तो कमेंट करना ना भूले। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख, तैमूर फार्म में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।